हाय दोस्त, हम आज देखेंगे कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का जो चेन के नीचे जो रबर पैड रहता है वो उसको हम कैसे बदल सकते हैं। तो देखो इस गाड़ी का दोस्तों, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, एक मिनट इधर, ये रबर पैड इधर से चालू होता है, इधर बीच में टूट गया है, और ये अगर आप देखेंगे तो इधर तक ये एक एलन की नट रहता है, 4 नंबर का एलन की, तो उससे ये फिट रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये चेन को सपोर्ट करता है, इधर से बीच में से टूट गया है, तो इधर एक इसका पार्ट रह गया है, ये देखिए ये पार्ट, मैं आपको ये देखिए चेन को मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा रबर का पार्ट है, और इधर ये रबर का पार्ट, तो बीच का टूट गया है, तो ये सब पूरा लंबा रहता है, तो आज हम इसको बदलेंगे। दोस्तों मैंने अभी इधर 4 नंबर के एलन की फिट कर दी है, तो मैं अभी इस नट को लूज़ करके लेता हूँ। दोस्तों ये जगह बहुत मतलब अंदर है, इसलिए मुझे एलन की लगाने में भी बहुत इशू आ रहा है, और दोस्तों वीडियो शूट करने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो वीडियो बहुत हिल रही है, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देखो दोस्तों, इधर का नट हमने निकाल दिया है, ये नट था इधर, तो ये पार्ट इतना निकला है, अभी हमको ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको निकालना है, इसको थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से ऐसा नीचे से, क्योंकि ये लॉक रहता है इसके नीचे, ऐसे स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा ऐसा नीचे से उसको पुश करेंगे तो निकल आएगा, तो देखेंगे। देखो दोस्तों, ये हमने इधर का रबर पैड निकाल दिया है, तो ये बीच ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये है नया पार्ट हमारा रॉयल एनफील्ड का, इसका पार्ट नंबर देख सकते हैं आप, इसकी कीमत है 161, और इसका नाम है चेन स्पैड असेंबली, ठीक है, तो ये मैं आपको इसको निकाल लेता हूँ बाहर, तो देख सकते हैं दोस्तों ये नया पार्ट है, इधर स्क्रू लगेगा, और ये जो लॉक है, ये लॉक बैठेगा, तो ये लॉक इधर बैठेगा, फिर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये होल है ना, ये होल में लॉक को फिट करेंगे, और इस होल में नट को फिट करेंगे, इसकी ये लॉक की साइड फिटिंग करके लेता हूँ, तो इधर से मैंने इसको ऐसे डाल दिया चेन के नीचे, और ये अभी लॉक की इधर काली मुझे इसके ऊपर से प्रेस करना है। दोस्तों इसको फिट करने में थोड़ा जगह कम पड़ रही है, तो इसलिए हम एयर फिल्टर की जो बॉडी रहती है राइट साइड की, तो उसको हम निकाल के लेंगे। तो दोस्तों आपको ये हिस्सा निकाल के लेना है, इधर एक नट है इसके अंदर, और दो नट है, तो पहले इसको निकाल के लेते हैं हम। दोस्तों हमने इस बॉक्स को निकाल लिया है, तो हमको इधर से ये लूज़ करना पड़ता है, और ये पाइप निकालने पड़ते हैं, और इधर एक दो और इधर एक तीन, इसको निकाले तो ये बॉक्स निकल जाएगा, और हमको इधर से आसानी से एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, चलो। देखिए दोस्तों, ये हमारा फिटिंग हो चुका है, अभी इसको फिटिंग करने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों थोड़ा, और आपको क्या करना है, इस थोड़ा सा हेवी वाला स्क्रू ड्राइवर लेना है,
और उसको दबाते समय ऊपर से ये जो इसको ऊपर से होल में डाल के ऐसा दबा के स्क्रू ड्राइवर से बिठाना है ऊपर से दोस्तों, ये बैठने में थोड़ा तकलीफ देता है। ठीक है, तो ये लॉक बैठ गया है। अब हम क्या करेंगे, इधर ये स्क्रू को लगा के लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमने एलन की लगा के लिए, अब ये पूरा फिट हो गया है हमारा। तो देखिए दोस्तों ये पैड इधर से पूरा फिट हो गया। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, ऑयल और ग्रीस। ठीक है दोस्तों, अब हम ये बाकी का सब फिटिंग करके लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो। तो दोस्तों अब हमारा काम कंप्लीट हो गया है, ये पैड रबर का पैड हमारा फिटिंग हो गया है। तो आप ऐसा घर में खुद अपने आप 4 नंबर के एलन की से कर सकते हैं ये काम। दोस्तों ये काम करने के लिए थोड़ी जगह कम है, ये कॉम्प्लिकेटेड जगह में है, तो इसलिए आपको थोड़ी तकलीफ होगी एलन की को फिट करने में, लेकिन हो जाएगा ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है दोस्तों, बाय।